हेलो, नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपने संदीप सिंह के बारे में जरूर सुना होगा। ये वाले जो पर्सन है संदीप सिंह, हमारी हॉकी इंडिया के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा के अंदर एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए भी हैं और ये वाले पर्सन जो है वर्तमान में मिनिस्टर भी हरियाणा के अंदर, संदीप सिंह, प्रिंटिंग एंड दी स्टेशनरी मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो बात हो जाएगी जनवरी की। जनवरी के महीने में इनके ऊपर एक चार्जेस लगे थे, दैट इज द सेक्सुअल हरासमेंट केस। इसी के रिगार्डिंग अभी एसआईटी ने मूव किया है कोर्ट के अंदर और संदीप सिंह की ब्रेन मैपिंग की यहाँ पे डिमांड की है। राइट, तो संदीप सिंह की होगी ब्रेन मैपिंग, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर व्हाट इज ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मैपिंग क्या होती है, साथ ही साथ नार्को टेस्ट क्या होते हैं, पोलीग्राफिक टेस्ट क्या होते हैं, और ये वाले जो टेस्ट होते हैं क्या इनसे जो भी रिजल्ट आता है, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, उनको हम एज एन एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। इंडिया के अंदर लीगल इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे जो हमको जानना जरूरी है इस वीडियो के अंदर। और संदीप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा नाम है इनका, बहुत ही पॉपुलर एक प्रकार से प्लेयर है ये, अच्छे अचीवमेंट्स इनके नाम पर हैं, इंडिया को इन्होंने बहुत कुछ अचीव करवाया है। इनकी कप्तानी के अंदर भी हमने अजलान कप जीता था, सुल्तान अजलान कप जो होता है 2009 के अंदर, ठीक है, और अर्जुन अवार्ड मिला इनको 2010 के अंदर। राइट, और 2018 में आपको पता है इनके ऊपर मूवी भी आई थी, एक बायोग्राफी बनी थी इनके ऊपर, दैट इज सूरमा, सूरमा करके, ठीक है, 2018 में आई थी। दिलजीत दोसांझ जी थे इसमें और वो तापसी पन्नू करके, है ना, हाँ तापसी पन्नू, तो इनकी मूवी थी। आई एम श्योर कि आपने मूवी भी देखी होगी। तो ये वाली चीज है। अब मुद्दा ये उठता है कि इतने बड़े व्यक्ति जो हैं, इतने अच्छी खासी अचीवमेंट्स इनके नाम पर हैं। राइट, डीएसपी भी है, यस डीएसपी भी अभी हरियाणा के अंदर ही है, ठीक है, इनको ऑनर किया गया है डीएसपी के पद पर। तो उनके खिलाफ अगर ऐसी चीजें आती हैं सामने तो एक सैड बात होती है। चलो अभी के लिए फिलहाल हम लोग न्यूट्रल होकर बात करेंगे, दोनों पक्षों की बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए जांच चल रही है, कुछ भी अभी प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमारी फीमेल कोच है उनका क्या कहना है, संदीप सिंह का क्या कहना है इस बारे में, और यानी कि सारी बातें डिटेल से जानेंगे हम लोग। राइट, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मे बी, बट चलेगा। ठीक, सारी बातें डिटेल से जानेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल पर नया हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। राइट, एसआईटी मूव्स कोर्ट फॉर ब्रेन मैपिंग ऑफ हरियाणा मिनिस्टर संदीप सिंह। ठीक है, तो सारी बातें जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बैकग्राउंड की बातें जान लेते हैं। 2022 में क्या हुआ था, तो 31 दिसंबर 2022 की बात है, इनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, एक कंप्लेंट यहाँ पे लॉन्च की गई थी। हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह बुक्ड फॉर सेक्सुअल हरासमेंट आफ्टर वुमेन कोच फाइल्स कंप्लेंट। तो यहाँ पे एक वुमेन कोच है हरियाणा की ही, उनके द्वारा एक कंप्लेंट यहाँ पे फाइल की गई थी कि मेरे साथ इन्होंने सेक्सुअल हरास किया है। ठीक है, मुझे इन्होंने सेक्सुअल हरास किया है, और भी बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं, जैसे कि सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 354B कंपेलिंग टू हर्ट बी नेक्ट। यार अच्छी बात तो नहीं है, है ना, अगर मान के चलिए, देखो मेरा थोड़ा सा दिमाग सेंसिटिव हो गया है मुद्दे पे, अगर मान के चलिए प्रूव हो जाता ना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड द क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये वाले चार्जेज अभी के लिए इनके ऊपर लगे हुए हैं और जांच चल रही है। राइट, वो ओलंपियन भी है, हमने बताया फॉर्मर ओलंपियन है और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ये वाले जो एफआईआर है सेक्शन सॉरी सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन है जहां पर चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर ये फाइल की गई है। लेकिन इन्होंने जो भी एलिगेशन है रिजेक्ट किए गए, संदीप सिंह ने कहा ये बेसलेस है, इनका कोई भी आधार नहीं है, मैं बिल्कुल साफ हूं, मतलब ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। राइट, लेकिन जो फीमेल कोच है उनका क्या कहना है एक बार हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा आफ्टर लॉजिंग द कंप्लेंट द वुमेन कोच सेड आई हैव बीन एश्योर्ड एन इम्पार्शियल प्रोब। राइट, इम्पार्शियल प्रोब तो होनी ही चाहिए, एंड आई ऑल्सो रेज द इश्यू ऑफ माई सिक्योरिटी, और मुझे मेरी सिक्योरिटी का भी यहाँ पे इश्यू है। आई हैव बीन रिसीविंग इंटीमिडेटिंग मैसेजेस ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, आउट ऑफ फियर आई हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग फोन कॉल्स। राइट, द मिनिस्टर हैरास्ड मी बिटवीन फेब एंड नवंबर एट हिज ऑफिस एंड द अदर प्लेसेज, वंस ही इवन आस्क्ड मी टू मीट हिम इन द सेक्टर 7, ही मोस्टली कम्युनिकेटेड मी विद ओवर दी सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ही इन्होंने इन्होंने बात की है ज्यादातर। ही टचेस्ड मी इन अप्रोप्रिएटली एट हिज हाउस इन चंडीगढ़ एंड आई हैव नरेटेड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू द चंडीगढ़ पुलिस, और चंडीगढ़ पुलिस को मैंने सारी बातें जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ है वो बता दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये वाले चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, अच्छी बात नहीं है। राइट, द कंप्लेंट हु अराइव्ड एट द पुलिस हेडक्वार्टर अलोन, अब इन्होंने बताया महिला ने जो भी फीमेल कोच है, सी डिड नॉट हैव ए रिकॉर्ड ऑफ मैसेजेस सेंड टू हर बाई दी संदीप सिंह। अब संदीप सिंह के द्वारा जो भी मतलब मैसेजेस इनके द्वारा भेजे थे ना,
उनका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने मुझे जो भी मैसेज भेजे थे वो डिसअपेयरिंग मोड में भेजे थे। आई होप आपने डिसअपेयरिंग मोड के बारे में पता होगा, क्योंकि डिसअपेयरिंग मोड एक ऐसा मोड है, एक ऐसा फीचर है आपका, जो क्या करता है, जैसे कि आप जितना भी उसके अंदर लिमिट सेट करोगे उतने ही दिन के अंदर वो भी जो भी मैसेजेस हैं वो आपके डिसअपेयर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, जैसे कि एक हफ्ता हो गया, एक दिन हो गया, 24 आवर्स हो गया, 90 डेज हो गया, इस प्रकार अगर आप उसको डिसअपेयरिंग मोड में कर दोगे तो जो भी मैसेजेस आपने भेजे हैं वो सारे के सारे, यानी कि जो भी आपकी चैट हुई है किसी पर्सन से, वे डिसअपेयर हो जाएंगी। राइट, अब सबसे पहले इन्होंने ये एलिगेशन कहां पर लगाए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि हेल्ड की गई थी एट द रेजिडेंस ऑफ दी अभय सिंह चौटाला। ठीक है, अभय सिंह चौटाला की अगर हम बात करें, ये लीडर हैं किसके, INLD, दैट इज द इंडियन नेशनल लोक दल, एक लोकल यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर, वहां से ये एमएलए भी हैं, इस पार्टी से एमएलए हैं, एलनाबाद से। राइट, सिरसा के अंदर एलनाबाद पड़ता है, एलनाबाद सीट से अभी वर्तमान में अभय सिंह चौटाला यहाँ पे मंत्री भी हैं। ठीक है, इनकी अलग पार्टी है, एक ही सीट इनके पास। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर इन्होंने बातें बताई और अगले दिन जाकर इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ठीक है, राइट, और उसी के अगले दिन यानी कि 1 जनवरी को संदीप सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। अभी अपोजिंग पार्टी है, दैट इज कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है कि ये अभी के लिए जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिनिस्टर भी हैं वहां से भी इनको इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए। राइट, जो वुमेन है, इंटरनेशनल लेवल की एथलीट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है, इन्होंने कहा कि आई वॉज फोर्स्ड टू गिवन एन अंडरटेकिंग दैट आई वुड फेच मेडल्स। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी खिलाड़ी हो यार, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे फीमेल हो चाहे आपका मेल हो, हर एक का सपना होता है अगर हम लोग किसी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर खेलने जाते हैं तो वहां से मेडल को लेके ही आए, है ना। 3 मेडल होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, तीनों में से कम हमारी एक मेडल तो आना ही चाहिए, इसमें देश का भी नाम होगा और हमारे खिलाड़ियों का भी नाम होगा। राइट, तो हर कोई चाहता है कि हम लोग मेडल लेके आए, तो इस प्रकार से अंडरटेकिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। एंड आई वॉज टोल्ड इफ आई फेल्ड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वुड ट्रांसफर मी, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, यानी कि मुझे एक प्रकार से अगर मैं फेल हो गई, मेडल नहीं लेके आई, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुझे ट्रांसफर कर देगा, और मैं मेडल नहीं लेके आ पाई, इसलिए आई गो ट्रांसफर टू माई होम डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कोई भी ट्रैक वगैरह भी नहीं था खेलने का, तो इस प्रकार से मुझे हरास यहाँ पे किया गया था। और मैं अकेले नहीं हूं जिसको इस प्रकार की हरासमेंट का सामना करना पड़ा है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फीमेल खिलाड़ी हैं जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है बाय द स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट। राइट, इस प्रकार के एलिगेशंस चार्जेज इनके द्वारा लगाए गए हैं, इन्होंने बात कही है। ठीक है, तो अब ये कल की ही न्यूज है, यानी कि इन्होंने कहा, संदीप सिंह ने, सॉरी SIT ने कहा कोर्ट के अंदर कि हमें संदीप सिंह की क्या करनी है, यहाँ पे ब्रेन मैपिंग करनी है। ठीक है, ए शोर सेड इन मैटर इन्वॉल्विंग द ब्रेन मैपिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल द कंसेंट ऑफ द अपोजिंग पार्टी इज नेसेसरी, और यहाँ पर अपोजिंग जो पार्टी है उसका भी यहाँ पे असेंट यहाँ पे लिया जाएगा, कंसेंट यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। और एक नोटिस जल्द ही इनको मूव कर दिया जाएगा संदीप सिंह को कि आपकी ब्रेन मैपिंग होने वाली है। इसके साथ साथ इन्होंने 2 बार स्टेटमेंट भी अभी तक रिकॉर्ड करवा चुके हैं ना, ही रिकॉर्डेड दिस स्टेटमेंट ट्वाइस इन द केस ऑलरेडी, कि 2 बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है। राइट, अबाउट संदीप सिंह, अब देखो संदीप सिंह के बारे में आई एम श्योर कि आपने पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा हम और जान लेते हैं। 27 फरवरी 1986 को इनका जन्म हुआ था, शाहबाद के अंदर, शाहबाद पड़ता कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि दैट इज कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप सबने सुना होगा। यस, तो 1986 में इनका जन्म हुआ था शाहबाद के अंदर। एक इंडियन प्रोफेशनल फील्ड के हॉकी प्लेयर हैं और एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं हमारी हॉकी टीम के। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी टीम है उसके कप्तान भी रह चुके हैं 2009 के अंदर। राइट, तो ही जनरली फीचर्स एज ए फुल बैक एंड पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। तो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट जो आपकी हॉकी के अंदर टर्म होती है उसमें स्पेशलिस्ट हैं, और इनको फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा के अंदर, या फिर पूरे हम लोग कह सकते हैं भारत के अंदर, जैसे कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार इनको फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। फॉर हिज स्पेशलाइजेशन ऑफ द ड्रैग फ्लिक्स। ठीक है, तो सबसे फास्ट ड्रैग फ्लिक इनकी हुआ करती थी, इसलिए इनको फ्लिकर सिंह का नाम मिला हुआ है। और भी बहुत सारी इनके सामने अचीवमेंट्स इनके पास में है, जैसे कि DSP के पद पर है हरियाणा के अंदर वर्तमान में, साथ ही साथ 2019 से MLA हैं। देखो पहली बार आए, चुनाव लड़ा और जीत गए और मंत्री भी बन गए, तो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है हरियाणा के अंदर इनकी, जनता जानती है, और काम भी इन्होंने अपना अच्छा किया है, अपना जो डिपार्टमेंट इनके पास था उसमें बढ़िया काम किया है, वर्तमान में भी काम बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। पेहवा से इन्होंने जीता था, पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से, BJP से। राइट, अब कुछ अचीवमेंट्स की हम बात कर लेते हैं,
कुछ इंटरनेशनल हॉकी की बात करेंगे और कुछ अचीवमेंट्स की बात करेंगे। तो संदीप सिंह ने डेब्यू किया था 2004 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 2004 जनवरी के अंदर डेब्यू किया था। इनका प्रथम जो कप था सुल्तान अजलान शाह कप था, जो कि क्वालालंपुर में हुआ था, वहां पे इन्होंने डेब्यू किया था। एंड ही टुक ओवर द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम इन जनवरी 2009, 2009 में ये कप्तान बने थे। उसके बाद 2010 में राजपाल सिंह आ गए थे और इनकी कप्तानी के अंदर में ही हमने सुल्तान अजलान कप को 2009 में जीता था मलेशिया को हराकर, जो कि 13 साल बाद हमने ये अचीवमेंट हासिल की थी। तो अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छे इनकी कप्तानी रही है, ठीक है। और 2012 में इन्हीं के बदौलत हमने जो ओलंपिक का क्वालिफाइंग मैच होता है ना, समर ओलंपिक का क्वालिफाइंग मैच में हमने गोल्ड मेडल जीता था, ये बात हो जाएगी, ठीक है। और अचीवमेंट्स तो बहुत सारी है इनके सामने, इनके पास में, जैसे 2008 में इन्होंने बेस्ट स्कोरर का टॉप स्कोरर का अवार्ड जीता, 2009 में भी, 2011 के अंदर 10 के अंदर 11 गोल किए, टॉप स्कोरर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखोगे ना, अच्छा खासा इनका रेपुटेशन है खेल के अंदर। चलो ठीक है, ये वाला मैटर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, किस प्रकार से प्रोसीड हो रही हैं और क्या मामला है। मामले के बारे में हम समझ गए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि एनालिसिस करेंगे हम लोग DDT के बारे में, दैट इज दी डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। इसके अंदर तीन प्रकार के टेस्ट आते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड दी ब्रेन मैपिंग टेस्ट। और संदीप सिंह का वर्तमान में यही वाला जो टेस्ट है किया जाएगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ठीक है। हम तीनों की बात करेंगे। Have important clinical, scientific, ethical and the legal implication in India. Right. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आपको एक ड्रग्स दी जाती है, एक इंजेक्शन दिया जाएगा, सच एज थियोपेंटोल सोडियम, या तो थियोपेंटोल सोडियम होगा, सोडियम पेंटाथोल हो जाएगा, सकोपोलामाइन एंड सोडियम अमाइटल, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं, इनका इंजेक्शन आपको दिया जाएगा आपकी नर्व सिस्टम में, इनके जो कैपिलरीज ट्यूब होती है वहां पर हमने डाल दिया। तो इससे होगा क्या, आप एनेस्थेसिया की स्टेज में चले जाओगे, सब्जेक्ट जो भी है, एक्यूज्ड जो भी है, एनेस्थेसिया की स्टेज में चला गया और एक प्रकार से हिप्नोटिक स्टेज में उसको भेज दिया जाता है। अब जैसे ही पर्सन हिप्नोटिक हो जाता है तो उसी के आधार पर सब्जेक्ट से बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हिप्नोटिक स्टेज में जब चला जाएगा, द सब्जेक्ट बिकम्स लेस इनहिबिटेड एंड इज मोर लाइकली टू बी डेवलप इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से उससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं ऐसी स्टेज में। जो थियोपेंटोल सोडियम है बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड बारबिट्रेट्स। बारबिट्रेट्स एक ड्रग्स की क्लास होती है, उसी से बिलोंग करती है थियोपेंटोल सोडियम, ठीक है। विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो कि हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को दबा देती है एंड स्लो डाउन कर देती है हमारी ब्रेन एक्टिविटीज को, राइट। तो जैसे आपको पता होगा CNS के बारे में, दैट इज द सेंट्रल नर्व सिस्टम विच इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन सिस्टम, राइट। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिप्रेस कर दिया जाएगा और स्लो डाउन कर देगा ब्रेन की एक्टिविटी को। अब जैसे ही ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो आप फिर उससे जो भी बातें पूछोगे तो वो सही से जवाब देगा, जो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां से निकाली जा सकती है। एंड दे हैव दिस इफेक्ट बिकॉज दे इमिटेट वन ऑफ द केमिकल दैट ह्यूमन ब्रेन्स प्रोड्यूस नेचुरली। अब ये जो दवाएं हैं ये इस प्रकार से काम क्यों करती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कैसे काम करता है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले एक नेचुरल केमिकल की तरह काम करता है, जो कि बॉडी को क्या करवाता है, काम करवाता है, यानी कि शांति देने का काम करता है, दैट इज द गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ये गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड है, ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है और ये क्या करेगा, हमको शांति प्रदान करवाएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो उसी की तरह काम करते हैं ये वाले जो भी ड्रग्स हैं। तो नार्को टेस्ट में हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर इंजेक्शन डालते हैं जिससे सारी बातें गुलवाई जा सकती हैं। बट नार्को टेस्ट से जो भी एविडेंसेज आप प्राप्त करोगे, जो भी रिजल्ट फाइंडिंग होगी, वे नो एविडेंसरी वैल्यूज इन द कोर्ट, उनकी कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानेंगे। बट रिसेंटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव सॉल्व टू एम्प्लॉइज दीज टेस्ट, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वे कहते हैं भाई ये वाले टेस्ट जो है ना किए जाने चाहिए, क्योंकि इनसे होगा क्या, अगर हम लोग ये टेस्ट करेंगे ना तो बींग ए सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव टू टॉर्चर और थर्ड डिग्री, टॉर्चर एंड थर्ड डिग्री का हमारे पास अल्टरनेटिव आ जाएगा किसी भी जानकारी को उगलवाने के लिए, राइट। ठीक, अब बात कर लेते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट की। पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या होता है, द थ्योरी बिहाइंड द पॉलीग्राफिक टेस्ट इज दैट गल्टी सब्जेक्ट इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद लाइंग अबाउट द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड अबाउट द क्राइम। तो यहाँ पर जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, जो भी अक्यूज्ड है,
आपको पता है वो झूठ बोलेगा, अगर उसने क्राइम किया है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी बहुत सारी, फिर यहाँ पे एक प्रकार से कई पैरामीटर्स होते हैं जिनको मापा जाता है, जिनके आधार पर पता सच का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर। इसको लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आपने कई बार फिल्मों के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से लाई डिटेक्टिंग टेस्ट किया जाता है, विच इन टर्न्स प्रोड्यूस ए हाइपर अरोजल स्टेज, यानी कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसको हाइपर अरोजल अति उत्तेजना वाली स्टेज में पहुंचा दिया जाता है, विच इज पिकअप बाय द पर्सन ट्रेन इन रीडिंग पॉलीग्राफिक रिजल्ट। और ये सारी चीजें जो भी पॉलीग्राफिक टेस्ट में ट्रेन जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा पिकअप कर लिया जाता है। अब जैसे ही पर्सन हाइपर अरोजल स्टेट में पहुंच जाता है, तब उससे नंबर ऑफ पैरामीटर्स से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये वाला पर्सन सच बोल रहा है फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है। तो जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट्स हो जाएगा, स्किन कंडक्टेंस हो जाएगा यानी कि पसीना आना, स्वेटिंग होना, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर जो एक्सपर्ट होते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट में वे पता लगा लेते हैं कि पर्सन झूठ बोल रहा है फिर सच बोल रहा है। और इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, और इसकी भी एज एन एविडेंस कोर्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। अब बात कर लेते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट की। जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है इसको P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर होगा क्या, यानी कि इन दिस टेस्ट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन ऑफ ए सस्पेक्टेड पर्सन इज मेजर्ड ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। अब जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज होती है ना उनको यहाँ पे मेजर किया जाता है। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। जो नार्को टेस्ट था उसमें तो आपको ड्रग्स दी गई थी, है ना, ड्रग्स दी गई और ड्रग्स के आधार पर हमने पता लगाया। और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसमें लाई डिटेक्टिंग टेस्ट किया, यानी कि आपका झूठ पकड़ा गया है, यहाँ पे हाइपर एरोजल स्टेट में आपको भेजा गया है, ठीक है। हाइपर एरोजल यानी कि अति उत्तेजना वाले स्टेज में भेजकर आपको सच का पता लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उनको यहाँ पे मेजर किया जाता है और उसके आधार पर आपका पता लगाया जाता है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो पर्सन है इसकी यहाँ पे क्या हो रहा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहा। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में होगा क्या, आपको कुछ वीडियोस दिखाई जाएंगी, कुछ आपको साउंड सुनाया जाएगा और कुछ आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ठीक है। अब ये वीडियो पिक्चर या फिर साउंड जो भी ये आपके स्टिमुलस होते हैं, ये स्टिमुलाई या स्टिमुलस बोलते हैं इनको, ये जो भी केस होता ना, जैसे क्राइम का कोई केस है, क्राइम के केस से रेलिवेंट भी होंगी और कुछ इररिलेवेंट चीजें भी आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्राइम से रिलेटेड कोई पिक्चर, कोई साउंड या कोई वीडियो दिखाई गई है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन यहाँ पे एक यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न को प्रोड्यूस करेगा या जनरेट करेगा, ठीक है। अगर आपने मान के चलिए क्राइम से रिलेटेड कोई पिक्चर देखी है, कोई वीडियो देखी है, देन करेगा, तब उस चीज को यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा बाय द एक्सपर्ट्स। हाँ, पता लग जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं इस वाले पर्सन का जो भी सब्जेक्ट बैठा हुआ है उसका कहीं ना कहीं इस क्राइम से या फिर इस इंसिडेंट से रिलेशन है, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारा ब्रेन उस क्राइम की चीजों को देखकर, उन पिक्चर को या फिर घटनाओं को देखकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, कोई भी यहाँ पे एक यूनिक टाइप का ब्रेन वेव पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करता है, तब पता लग जाएगा कि हाँ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो ड्यूरिंग द टेस्ट सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलाइज लाइक पिक्चर्स, वीडियोज एंड साउंड्स एंड दैट आर रिलेवेंट टू फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स जो भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे ना, ये रिलेवेंट भी हो सकते हैं बींग इन्वेस्टिगेटेड और इरिलेवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इनको प्याज दिखाई जा रही है, बताओ, ठीक है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे, और फिर इन पैरामीटर्स के आधार पे पता लगा लिया जाएगा कि आपने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। द टेस्ट मेजर द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स, तो ब्रेन के अंदर उठने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है, और जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हैं इनके आधार पर ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखो ये वाले जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे शरीर पे लगाए गए ना, सिर के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है प्रोड्यूस होंगी और उनको कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है, राइट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में, पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में या फिर नार्को टेस्ट के बारे में। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है किस प्रकार से काम करती हैं चीजें। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कहता है, कानूनी तौर पर क्या ये चीजें सही हैं। देखिए 2010 की बात हो जाएंगी, एक सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है ना, शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जो अक्यूज्ड है, जो भी पर्सन है, उसकी कंसेंट के बिना आप ये वाला टेस्ट नहीं करवा सकते हो, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर कोई मान के चलिए वॉलंटरी इस टेस्ट को करवाता भी है,
अगर राजी हो जाता कोई पर्सन मान के चलिए, तो उसको अपना लॉयर करना पड़ेगा, उसको अधिकार है कि वो अपना लॉयर करे, साथ ही साथ उसको जो भी फिजिकल इमोशनल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस जो भी होने वाले हैं टेस्ट से रिलेटेड, वो एक्सप्लेन कर दिए जाने चाहिए बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द लॉयर। तो पुलिस और ऑफिसर के द्वारा यानी कि लॉयर के द्वारा जो भी फिजिकल इमोशनल या फिर लीगल इम्प्लीकेशन होने वाले हैं वो पहले से ही बता दिए जाने चाहिए टेस्ट के बारे में, एंड द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कन्फेशन। ये बात हो जाएगी कि आप उसको एविडेंस के तौर पर या कन्फेशन के तौर पर नहीं रख सकते हो जो भी रिजल्ट आए हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अगर मान के चले टेस्ट के दौरान कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ मटेरियल हमको बाहर से मिला है, उन फाइंडिंग्स के आधार पर आपने कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई अदर टाइप की मटेरियल प्राप्त किया है, हाँ उस चीज को हम लोग एडमिट कर लेंगे एज एन एविडेंस, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट्स आपने टेस्ट के आधार पर दिए है ना, उनको हम लोग एविडेंस नहीं मान लेंगे, लेकिन रिजल्ट के आधार पर कुछ अदर चीजें अगर आपको मिली है ना, कोई भी मटेरियल मिला है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये वाली बात 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। ना तो सुप्रीम कोर्ट साइटेड आर्टिकल 23 सबसेक्शन 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच स्टेट नो एक्यूज्ड कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी पर्सन अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का हवाला देते हुए ये वाला जजमेंट आया था 2010 के अंदर। ये केस याद रख लेना, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब दूसरा एक केस था 1997 का, डीके बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था दैट इज इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलीग्राफी एंड द नार्को टेस्ट विल अमाउंट टू क्रूएल इनह्यूमेन एंड द डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 21। यानी कि जो इनवॉलेंट्री टेस्ट अगर आप करते हो ना, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, ये क्रूएल है, इनह्यूमेन है, अमानवीय है, साथ ही साथ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। और ये जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी, इसका वायलेशन है एक प्रकार से। तो ये वाले टेस्ट आपको नहीं करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था 1997 में। इट में आल्सो बी वायलेटेड द राइट ऑफ प्राइवेसी, जो हमारी राइट ऑफ प्राइवेसी है ना, उसको भी क्या करता है, वायलेट करता है, हनन करता है। एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1887 डज नॉट एडमिट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट एज एन एविडेंस। साथ ही साथ 1871 का टेस्ट जो एक्ट है हमारा, वो इन चीजों को एविडेंस के तौर पर नहीं देखता है। हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है 1997 में, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को सेट किया था और बताया था कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर करते हो ना, तो ये जो गाइडलाइंस है इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग कंसेंट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर बताई गई थी। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे चीजें कैसे प्रोसीड हो सकती हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम लोग यही बात कहेंगे कि, या फिर कंक्लूजन में यही बात कहेंगे, दीज मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इंक्रीमेटिंग एविडेंसेज और कन्फेशंस। इंक्रीमेटिंग एविडेंसेज के तौर पर, यानी कि आपराधिक जो सबूत है उनके तौर पर, या फिर कन्फेशंस के तौर पर आप इनको यूज नहीं कर पाओगे ड्यू टू देयर लिमिटेड रिलायबिलिटी एंड द साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि कुछ लिमिटेड यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता इनकी कुछ कम होती है, ठीक है, और साइंटिफिक प्रूफ भी कुछ ज्यादा नहीं होता है, दैट्स व्हाई इनको हम यूज नहीं करेंगे। हाउएवर दे कैन बी यूजफुल टूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेकिन ये बात जरूरी सही है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है मान के चलिए, उसको सोल्व आउट करने में ये वाले टूल्स काफी आसानी से मदद कर देते हैं। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। आपको साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एंड अदरवाइज लॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर एंड ट्रायल्स। अगर मान के चलिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन लंबी चल रही है, कोई ट्रायल्स है वो लंबा चल रहा है, तो उसके अंदर आप इन चीजों को यूज कर पाओगे, ठीक है। बट शुड आल्सो केम अप विद ट्रायल्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द यूज इन डिसेंट एंड कंसेंसुअल मैनर्स। तो कंसेंसुअल मैनर्स में और डिसेंट मैनर में ज्यादा से ज्यादा सख्ताई के साथ रूल और नियम, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे इससे रिगार्डिंग, दैट इज द साइंटिफिक टेक्निक से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से चीजें प्रोसीड कर रही हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। ये था मेरी तरफ से, आई होप, आशा करता हूँ यार आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर ऐसा है देन प्लीज चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।